بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي سوره طه ايت مرقسه طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى من ممن خلق الارض والسماوات الاولى नहीं नाजिल किया हमने यहाँ पर कुरान ताकि मुश्किल में पड़ जाएँ मगर एक नसीहत है उनके लिए जो से डरता हो नाजिल करता है उसकी तरफ से जिसने बनाया है ज़मीन और आसमान को बुलंद यानी हमने इस कुरान को इसलिए नहीं उतारा कि आप उनके कुफर और अदब ईमान पर हसरत से अपने आप को मशक्क़त में डाल लें और गम में पड़ जाएँ हमने तो इस कुरान को नसीहत तो और याद दहानी के लिए उतारा है और कुरान का मकसद भी यही है कि ये एक नसीहत तो और याद दहानी है उनके लिए जो से डरते हों नहीं मई अक्शा यानी जिसके अंदर अल्लाह की असमत का खौफ हो एहसास हो और, और ये नजिल करता है अल्लाह उस साद की तरफ से जिसने ज़मीन व आसमान को बुलंद बनाया है अल अरहमान अरशस्तवा फ़िल आरत मै ना तह तस्तरो और जो रहमान है अश पर वो कायम है और इसके लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है और जो कुछ इस दोनों के दरम्या है और जो उसके नीचे है ज़मीन पर वह था जहर बिल्कलफ़ इलम सरफ़ा और अगर तुम पुकार कर कहोगे बात को तो बेशक वो जानता है रास को और खुफ़िया बात को अल्लाह नहीं कोई अला मगर वही उसी के लिए है नाम सारे अच्छे अच्छे तजहरबल क़ौली यानी ऊंची बात यानी अल्लाह का ज़िक्र या उससे दुआएं ऊंची आवाज़ में करने की ज़रूरत नहीं क्यों पर इन्ना हुई सर व अखफा यानी जो बातें भी तकदीर में हैं या जो मखफी हैं वो सब जानता है वो पोशीदा से पोशीदा दर बात को भी जानता है और क्या तक वकू पजीर होने वाले वाक़ात का भी उसे इम है إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنس نارا لألي آتيكم منها بكبس أو أجد على النار هدى وحل وكاهي آتا आता, आता तेरे पास हदीस मूसा मूसा इस्लाम की बात जब इसने देखा आग को तो कहा अपने घर वालों से ठहरो बेशक मैंने देखी है नारल अली ना, एक आग शायद कि मैं आतीकुम कुम लाऊँ तुम्हारे पास मिन हा उसमें से बेकपा सिन कोई शोला और अजिदू या मैं पाऊँ अलन नारी होता आग पर कोई रहनुमाई फलम आता हा नू या मूसा इन्नी अना रब का फखला फखला ना लईक इन कबिलवा दिल मुकदसी तो वाह इस वक्त का वाक़ है जब मूसा अलैहिस्सलाम से अपने बीवी के हमरा अपनी वालदा की तरफ वापस जा रहे थे अंधेरी रात या रास्ता भी मालूम ना था उन्हें दूर से आके शोले नज़र आए और घर वालों से कहा कि यहाँ ठहरो मैं आग का कोई शोला वहाँ से ले आऊँ या कम अज़ कम वहाँ से रास्ते की रहनुमाई हासिल कर लूँ अच्छा मुसा जब आग वाली जगह पर पहुँचे तो वहाँ एक दस्त में से आवाज़ आई अना रब्बुका अनार बुका ना आलाई का मुसलसलन बेशक मैं तेरा रब हूं बस उतार दो अपने जूते इना का बेशक तुम बिलवादिल मुकद्दस तुवा तुवा की मुकद्दस वती में हो व अना अख्तर्तुका फस्तमि लिहु और मैंने चुन लिया है तुझको बस गौर से सुनो वसेस की जो वही की जाती है यानी नबुवत और रसालत और हम कलामी के, के लिए चुन लिया है انني انا الله لا اله الا انا بشك ما الله وَنِهِي هي كل اله ماهي مگر مي فابدني واقيم الصلاه لذكري بس بعدتكروني اور قائم کرو نماز کو میری یاد کے ان السَّاعَةَ آتِيَةٌ اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آه इन्साआत बेशक क़्यामत आने वाली है करीब है कि मैं छुपा लूँ उसको ताकि बदला दिया जाए हर शख़्स को उसके मुताबिक जो उसने कोशिश की है इन सत यानी पहला सवाल चूँकि क़्यामत वाले दिन नमाज ही के बारे में किया जाएगा नमाज याद कराती है कि क़्यामत आने वाली है और हर शख़्स को अपने अपने अमल के मुताबिक उसकी निज़ाम मिलेगी

और अपनी बकरियों को मेरे लिए इसमें फ़ायदे हैं कुछ दूसरे फरमाया डाल दो ए मूसा तो उसने डाल दिया है उसको तो अचानक वो एक सांप थी जो बल खा रहा था फरमाया पकड़ लो इसको और ना डोरो अनकरीब हम लौटाएंगे तो इसको उसकी हालत पर पहले यानी ये हज़रत मूसा सलाम को मुजज़ा अदा किया गया था जो असाए मूसा के नाम से मशहूर है और मिला लो अपने हाथों को अपने पहलुओं के साथ निकलेगा रोशन और बग़ैर तकलीफ़ के एक दूसरी निशानी यानी हाथ का इस तरह सफ़ेद व हो चमकदार होकर निकलना किसी बीमारी की वजह से नहीं था बल्कि ये क्या था एक अल्लाह ताला की मज़जा था जो अल्लाह ताली ने हजरत मुसीम को अता किया ताकि हम दिखाएं तुझको अपनी बड़ी बड़ी निशानियों में से और जाओ फिर उनकी तरफ बेशक इसने सरकशी की है और फिर का जिक्र इसलिए है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौन बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और उन पर तरह तरह के जुल्म रवा रखता था और अलावा जिन्हें इसकी सरकशी और तो तयानी भी हद से बढ़ गई थी कॉलरबिशरहली सदरी व यसरली अमरी वखलूल मिलसानी अफकहू कौली वज अली वजीरम अली हारू नही अखिशतुद्बही अजरी व अशर खूफ़ी अमरी के नब बिह का कसरो अन का बसी है मेरे रख खोल दे मेरे लिए मेरे सीने को यानी दिल का मतमिन हो जाना का मुश्किल काम का आसान हो जाना और गहरी समझ बूझ अदा करना अब ज़िम्मेदारियाँ कबूल करते ही दुआ मांगी है दुआ के साथ सीने के खुलने की दुआ भी की है ताकि रसालत का बोझ उठा सकूँ और फिर उनके सामने तेरा पैगाम पहुँचा सकूँ मुझे असली उम्र आसान करते हैं मेरे लिए मेरे काम को यानी दीन के काम को आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा खोल दें ताकि वो फिरौन मेरी बात को समझ सके और मेरे भाई को मेरा मददगार बना दे जो उससे इस, इस तरह मेरी कुत जो है वो मज़बूत हो जाएगी और हम दोनों मिलकर जो है हम तेरा जिक्र और तेरी तस्वीर मिलकर लोगों के सामने करें और तबलीग का काम करें उससे क्या बात जाहिर होती है कि दीन के कामों में सबको मिल जुल कर ही काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हम याद करें तुझको बहुत ज़्यादा बेशक तो है और हमको देखने वाला कौला फरमाया कद तकीक उत इत दू दिया क्या सो अलगया मूसा ए मूसा अपना सवाल ए मूसा अस्सलाम वलकद मनन्ना अलैका मरतअन खुरा अल बतात के नाम किया हमने आप हाँ पर दूसरी बार मनन्ना अलैका यानी नबूवत अता की और भाई अदा किया और मर्रता उखरवा यानी जब कत्ल हो गया था और वहाँ से चले गए थे कबूलीत दुआ की खुशबरी के साथ मज़ीद तसली और हौसले के लिए अल्लाह ताली ने बचपन के इस एहसान का भी जिक्र फरमा रहे हैं कि जब मुसलम की मां ने उनके कत्ल होने के अंदेशे में अल्लाह के हुक्म से उन्हें शेर उफात बच्चे थे ये उनको ताबूत में डाल दरिया के सबूत कर दिया था इसमें अनेक فيه فيه في في फी, फी ही फिताबूती फक مني फिलजुल और जब वही की हमने तेरी माँ की तरफ जो वही की जाती है कि डालते उसको ताबूत में फिर डालते उसको दरिया में फिर वो ज़रूर डाल देगा दरिया उसको साहिल पर और ले लेगा उसको मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन और मैंने डाल दी दुश्मन मोहब्बत अपनी तरफ से और ताकि तो परवश किया जाए मेरी निकाह के सामने अब यहाँ पे बताया गया है कि उसको यह खुश हूँ अदुल्ली वदोल्ला अदु यानी मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन यानी फिर इससे मुराद है जो अल्लाह का भी दुश्मन है और हजरत मुसा का भी दुश्मन था यानी जब वो लकड़ी का तबू तैरता हुआ शाही महल के किनारे पहुंचा तो जब इसे बाहर निकाल के देखा गया तो इसमें एक मासूम बच्चा था फिरौन ने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर इसे मेरे महल में ही रख दिया और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तला ने फिरौन के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी जनाजा उसकी हिफाजत और निगबानी का कमाल उशमा दिए देखिए कि जिस बच्चे की खातिर फ़िरौन ने बेशुमार बच्चों को कत्ल करवा चुका था वो बच्चा ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि उसी की गोद में पलता रहा और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रही और उसकी उजरत भी गुस्सा के दुश्मन यानी फिर से वसूल करती रही उतक इलाका कई تحزن

तो लौटा दिया हमने तुझको तेरी माँ की तरफ़ ताकि ठंडी हो आँख उसकी और ना तुम और ना गम कर करे और तूने कत्ल किया था जब एक जान को तो उन्हें जा दी थी हमने तुझको गम से और आजमाया था हमने तुझको आज़माना तो तू ठहरा रहा सिनीना कहीं साल फिर आहली मदियाना मदियान वालों में फिर आ गया तू अंदाजे पर ए मूसा अब ये इस वक्त तो जब माँ ने तबूत समंदर में डाल दिया तो बेटी से कहा कि ज़रा देखती रहो ये किनारा ये कहाँ किनारे पर लगता है और इसके साथ क्या मामला होता है जब अल्लाह की मशीत से मूसा सलाम ने फ्र के महल में पहुँचे शिरफ्वारी का आलम था चुनाचे दूध पिलाने वाली आयाओं को बुलाया गया लेकिन मूसी असलम किसी का दूध ना पीने पीते और मूसा की बहन खामोशी से ये मंज़र देख रही थी बिलाकर इसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी औरत बतलाती हूँ जो तुम्हारी ये मुश्किल दूर कर देगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है चुनाचे वो अपनी माँ को जूली सलाम की वालदा थी बुला लाई और मुसलमाम अल्लाह की तदबीर से दूध पीने लगे और ये दूसरे इंसान का जिक्र है जो मुसीम से गैर हयाती तौर पर एक फ़्रोन सिर्फ सिर्फ घूसा लगने से ही मर गया था यानी हमने तुझे कई बार कई मरतबा बार बार आजमाया है या आजमाइशों से निकाला है फलाबिस्त सननाफिया मदीना यानी इस गैर ईरादी कत्ल के बाद तू यहाँ से निकल कर मदीना चला गया और वहाँ कई साल तक रहा और ऐसे वक्त में तू आया है जो वक्त मैंने अपने फ़ैसले और तकदीर में तुझे हम कलामी और नबूत के लिए, लिए लिखा हुआ था वस्तना तू नफ़सी और मैंने तुझको बनाया अपनी ज़ात के लिए इसब आता व आती वन या फिर ओ जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी आयात के साथ ओना सुस्ती करना दोनों मेरी याद में इस हब फिर हो और दोनों जाओ फिर ओन की तरफ बेशक उसने सरकशी की है फकूल लहू कऊल ली कर बस कहो दोनों उसको नरम बात शायद के हो नसीफ, वो नसीहत पकड़े या डरे यानी अल्लाह के दुश्मन के साथ क्या क्या जा रहा है कि नरमी का रवैया अख्तियार करो नरमी से बात करो चूँकि सख्त लहचे में बात करना किसी को पसंद नहीं है नरमी से लोग ज़्यादा करीब आते हैं और आपकी बात से मुतासर भी होते हैं क्योंकि वो पहले सरकश था और नरमी से बात करेंगे ताकि वो सरकशी में आगे ना बढ़े ओला रबा न खाफ्रोताई नोय दोनों ने कहने लगी हमारे रब बेशक हम हम डरते हैं कि वो ज्यादी करेंगे हम पर या ये कि वो सरकशी करेगा या ताफा आसमाऊ आओ अस्माउ व आ फरमाया ना तुम दोनों डरो बेशक मैं तुम दोनों को साथ हूँ मैं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ यानी तुम फिरौन को जो कहोगे इसके जवाब में वो जो भी कुछ कहेगा वो मैं सुनता हूँ तुम्हारे साथ उसके तर्ज़ अमल को देखता हूँ रहूँगा और इसके मुताबिक तुम्हारी मदद और उनकी चालों को नाकाम करता रहूँगा इसलिए उनके उसके पास जाओ फाह फ़कूल है

फिर फ़िरौन के सामने इस्लाम का बयान कि हम तेरे रब का पैगाम लाए हैं यह हमारी तरफ़ से की हुई बातें नहीं हैं ये अल्लाह का पैगाम है और यह सलाम सलामती की तरफ़ इशारा है यह सलामती जो हदायत की पैवरी करेगा यानी इस्लाम ले आओ सलामत रहोगे काज़ब अलामा जब व बेशक तहकीक़ वही की हमारी तरफ बेशक अज़ाब ऊपर उसके जो ठटलाए और मुँह मोड़े खाला फम रब या मूँसा उसने कहा फिर कौन है तुम दोनों का रब ए मूँसा खला रबी आह तो शे इन खल हदा कहा हमारा रब वात है जिसने हदा कि हर चीज़ को उसकी शक्ल सूरत फिर रहनुमाई की ख़ाल फमह बालुलकर उला कहाँ بس كيا حال قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينس الذي جعل لكم الارض أرضا محدا وسلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء فسا इमा आ फा तश कहा उनका इल मेरे रब के पास है और एक किताब में है नहीं गलती करता मेरा रब और नहीं भूलता अल्लाह है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और बनाया है तुम्हारे लिए इसमें रास्ते और नाजिल के आसमान से पानी फिर निकाली है हमने साथ इसके शाम मुख्तलि पौधों में से यानी जो शक्लो सूरत इंसान के लिए मुनासब थे अल्लाह तक अता की और जो जानवर के लिए मुनासिब थी उनके लिए उनको अता की और हर मखलूक को उसकी तबीयत ज़रूरियात के मुताबिक रहन सहन खाने पीने का तरीका भी साथ ही समझाया और फिर ओन की बात करो बदलने के लिए सवाल किया गया यानी पहले लोग ग़ैर अल्लाह की जबादत करते थे उस दुनिया से अब चले गए तो अब उनका क्या हाल होगा तो हज़ब मुस्ल ने इसका जवाब में फरमाया कि उनका इन ना तुझे है ना ही मुझे अलबत इसका मेरे रब को है जो इसके पास किताब में मौजूद है उसके मुताबिक उसको जजा और सज़ा देगा फिर इसका इस तरह हर चीज़ को पर परछाया हुआ है कि उसकी नज़र से कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी उझल नहीं है मेरा रब भूलता नहीं है और ना ही गलती करता है क्लू वर खाओ और चराओ अपने मवेशियों को बेशक इसमें अलबत्त निशानी है अक़ल वालों के लिए ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है मिन है खल नो ईद मिन है नो खरीजार तन इसमें हमने तुमको पैदा किया और इसमें हम तुमको लुटाएंगे और इसमें हम निकालेंगे तुमको एक मरतबा दूसरी यानी अल्लाह की कुदरत की अलामत कि तुमको मरने के बाद इस तरह वो तुम्हें, तुम्हें तुम्हारा जिंदा करेगा वो लागत आ रही अरो नी व अब और अलबत्तः दिखाएँ हम उसको अपनी निशानियाँ सारी की सारी तो उसने चुटला दिया उनको और इनकार किया कॉल अचेता न ले तो खरीजा नए से मूसा उसने कहा क्या तू आया है हमारे पास ताकि तू निकाल दे हमें हमारी ज़मीन से अपने जादू के साथ ए एमूसा फ़ला न कपरमी फ़ज अलबे न वे नाउद नखलीफा नखलीफू न मकान सु बस अलबतः हम भी ज़रूर आएँगे तुम्हारे पास जातू के साथ ऐसी इस जैसी तो बना हमारे दरमियान और अपने दरमियान एक वादे का वक्त नहीं हम खिलाफ करेंगे इसके और हम और ना तुम अलबतः एक जगह बराबर की यानी जब फ़्र को दलाइलब के साथ वो मजदात दिखाए गए जो असा और यद बैजा की सूरत में हज़रत को अता किए गए थे तो फ़्रन ने इसे जादू का कर्तव समझा और कहने लगा अच्छा तो हमें इस जादू के ज़ोर से तो हमें हमारी ज़मीन से निकालना चाहता है मकान अंसू यानी साफ और हमवार जगह जहाँ होने वाले मुकाबले को हर शख्स आसानी से देख सके या ऐसी बराबर की जगह जहाँ फ्री कैन सहूलत के साथ पहुँच सकें कॉलम कुमी नती हरण नास कहा तुम्हारा मुकर वक्त जश्न का दिन है और ये इकट्ठे किए जाने जाएंगे लोग दोहा दिन चढ़े पता वल तो पलटा फिर आउन फजमा आ कैदा हु फिर आउ तो उसने इकट्ठी की अपनी चालें और फिर वो आया यानी मुख्तफ़ शहरों से माहिर जादूगरों को उसने जमा किया और इज्तम गाह में आ गया कॉल फजुसबा माने कहा उनको मूसम ने अफसोस तुम पर ना घड़ो अल्लाह पर झूठ तो फना कर देगा तुमको अजाब के साथ वो तो तहकीक ना मुराद हुआ जिसने घड़ा झूठ, यानी जब फिर ऑन, इज्तम गाँव में जादूगरों के मुकाबले में की तरगीब कर रहा था तर उनको इनामत और खसूस कुर्फ से नवाजने का इजहार भी कर रहा था तो हज़म ने भी मुकाबले से पहले उन्हें वास किया और उन्हें उनके मौजूदा रवैये पर उन्हें अजाब अलहि से डराया पता ना जम रही न सर जवा तो वो जगड़ने लगे अपने मामले में आपस में उन्होंने चुपके चुपके सरगोशियाँ की यानी मूसी अम के बाद से उनमें बाहम इख्तलाफात हुए बात चुपके चुपके कहने लगे कि ये वाकई अल्लाह का नबी ही ना हो उसकी गुफ्तु तो जादूगरों वाली नहीं लगती बल्कि ये पेगमराना गुफ्तु कर रहे हैं बाँस ने इसके बरक्स अपनी राय का इजहार किया कौलो इन हाजान बेतोरे कुमह उन्होंने कहा यकन ये दोनों जादूगर हैं दोनों चाहते हैं कि निकलवा दें तुमको तुम्हारी ज़मीन से अपने जादू के पल पर और दोनों ले जाए तुम्हारे तरीक़े को सबसे मिसाल फा अजमें ऊँ कही सफा वक़त अफ़लाहल योम माने तला तो इकट्ठी कर लो अपनी तदबीरें फिर आ जाओ सब बनाकर और तहक़ीक फ़लाप आ गया आज जो गालिब हुआ यानी अगर ये दोनों भाई अपने जादू के ज़ोर पर गालिब आ गए तो इससे हमारा अकतदार खतरे में और उनके अकतदार के इमकान बढ़ जाएगा इलावा दिन हमारा बेहतरीन तरीका या मज़ह इसे भी वो ख़त्म कर देंगे <applause> قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى انہوں نے موسى یا یہ کہ تم ڈالو و یا یہ جو قال بل ألقوا فإذا حبالهم وإسيهم يُخِيِّلُ يُخِيِّلُ يخي إليه سَهْرِهِمْ أَنْ أنها تسأل قال بلکہ تم ڈالو تو جب ان की रस्सियां और उनकी लाठियाँ ख्याल किया जाता है उसकी तरफ उनके जादू की वजह से कि बेशक वो दौड़ रही हैं पाउ जैसा फिर नफसी ही खैफतम मूसा तो छुपाया अपने दिल में कुछ खौफ को मूसा अलैहि सलाम ने फकुल ला तखफ انك انت الاला हमने कहा मत डरो बेशक तुम तुम ही आला हो नहीं जब मूसा ने पहले उन्हें अपना करब दिखाने के लिए कहा तहम ताकि उन पर यह वाजे हो जाए कि जादूगरों की इतनी बड़ी तादाद से जो फिर जमा करके लाया है और इस तरह इनके सहराना कमाल और करतब से खूबसरदा नहीं दूसरे इनके मुजजे इलाही से जादूगरों पर अच्छा असर पड़ेगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जादू नहीं है वाकई अल्लाह इसे अल्लाह की तायद हासिल है कि देखते ही देखते उसकी लाठकियाँ हमारे सारे करतबों को निगल गई हैं कुरान के इफाज़ से मालूम होता है कि रस्सियाँ लाठियाँ हकीकता साफ नहीं बनी थी बल्कि जादू के ज़ोर से ऐसा महसूस हो रहा था उस दहशतनाक मंजर को देख कर अगर मूसम ने खौफ महसूस किया तो कुल नखफ़ ये तभी खौफ था एम्बिया को यह इल्म नहीं होता कि इनके हाथ में कौन सा मुजसा होने वाला है मूसा के इस खौफ को दूर करते हुए अल्लाह तरमाया कि किस तरह से डर, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि तुम ही अंतल आला है कि तुम ही आला हो गालिब आने वाले हो वो अल की माफी कफ म फी हैसु हैसु अता और डाल दो, तुम्हारे हाथ दाएँ हाथ में है निकल जाएगा जो उन्होंने बनाया है बेशक जो उन्होंने बनाई है चाल एक जादूगर की और नहीं फला पा सकते जादूगर जहाँ से भी वो आ जाए फ उल किया फ़ुल किया सहरा तुसुज कौलु आम बेरो तुम लु कबलाजान ली रुकुमजी सहर तो गिर गए जादूगर सजदा करते हुए कहने लगे हम इमाल हारून और

अज़ाब अब अलबत् मैं ज़रूर काट दूँगा तुम्हारे हाथों को तुम्हारे पाओं को मुखालिफ सम से अलबत् मैं ज़रूर सुल चढ़ाऊँगा तुमको खजूरों की तनमी और अलबत् मैं ज़रूर जान लूँगा कौन सा में से ज़्यादा सख्त है अजाब देने में और ज़्यादा देर पा है तक उन्होंने कहा हम हर किस न तरजीह देंगे तुझको ऊपर इसके जो आ गया है हमारे पास खुले निशानियों में से और वो ज़ात है जिसने पैदा किया है हमको तो तू फैसला कर दे तो जो तू फैसला करेगा बेशक तू फैसला कर सकता है इस दुनिया की जिंदगी का जादूगर फिर ओन से कह रहे हैं कि हम तुझको कुछ नहीं समझते तेरे पास बस में तो कुछ भी नहीं है तूने जो करना है वो कर ले हमें मालूम है कि तेरा बस तो इस दुनिया तक ही चलने चल सकता है मरने के बाद तो हम तेरी हुक्मरानी और तेरे जुर्म सतम से बच जाएंगे क्योंकि जिसम से रूह निकल जाने के बाद तेरा अख्तियार खत्म हो जाएगा लेकिन अगर हम अपने रब के ना फरमान रहे तो हम मरने के बाद भी रब के अख्तियार से बाहर नहीं जा सकेंगे वो हमें सख्त तजार देने पर कदिर है रब पर ईमान आने के बाद एक ममन की ज़िंदगी जो अज़ीम इनकलाब आता है फिर इस रास्ते में जो उसे तकलीफ़ें है आती हैं इसे अगर वहसले और हिम्मत से बर्दाश्त कर करे, करना करना है, जादूगरों ने इसका बेहतरीन नमूना पेश किया कि माल आने से पहले वो किस तरह फिर के इनामात और दुनियावी जाह मनसब के तलब थे लेकिन ई मां आने के बाद कोई धमकियाँ उन्हें ईमान से मुनहरफ ना कर सकी बेशक खेर। खेर। हम हमें माँ लाएँ अपने रब पर ताकि वह बख्शते हमको हमारी ख़तएँ और जो तूने मजबूर किया हमको इस पर जादू की वजह से और बेहतर है और ज़्यादा बाकी रहने वाला है यानी हम इस उम्मीद से अपने रब से मान लाए हैं कि वो हमारी गलतियां हम पर हमें माफ कर दे जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हमने तेरे मजबूर करने पर हमने की जादू किस सूरत में की वला हु खैरु मुअकवा यानी फिरौन के अल्फाज हैं वल्ला तालामुना अययना अशद अजाब व के जवाब में है कि ऐ फिरौन तुझे सख्त ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے اللہ کے حامی अजर स्वाब मिलेगा इससे कहीं ज्यादा बेहतर और पायदार है बेशक वो जो आएगा अपने रब के पास मुजरिम होकर तो बेशक इसके लिए जहन्नम में ना वो मरेगा इसमें ना ही जिंदा रहेगा यानी अजाब से तंग आकर मौत के अर्जु करेगा तो मौत नहीं उसे आएगी और रात दिन अज़ाप मुबला रहेगा ये कोई इस तरह ये कोई ज़िंदगी है इंसान और मैं यह अती या अती ही ममिन का आमिलाफ़ उमराजातुला और जो आएगा उसके पास मोमिन होकर और उसने अमल किए होंगे अच्छे तो यही लोग हैं उनके लिए दराजात हैं बुलंद जन्नात अदन तजरे ताहती हैदी नफ़ीहा فيها، وذلك جزاء ما تزكى. बाग़ात हमेशी के बहती हैं उनके नीचे से नहरें हमेशा रहने वाले हैं इसमें और ये है बदला जिसने पाकिज़ की अख्तियार की